हेलो गाइस, मेरा नाम है लोकेश राज और आपका मैं जल बी टेकिंग स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के टॉपिक। सो गाइस, आज का टॉपिक मैं लेके आया हूँ पेटीएम के ऊपर। जी हाँ गाइस, पेटीएम के ऊपर आपको पता होगा कि एयरटेल ने अपना जो पेटीएम पेमेंट बैंक है वो स्टार्ट कर दिया है। आज 23 मई है। सो आज जो भी पेटीएम का जो भी आपका वॉलेट था वो आज पेटीएम बैंक में कन्वर्ट जाएगा। सो गाइस, ये कैसे काम करता है और उसमें क्या क्या होगा, मैं आपको इसके बारे में सब कुछ बताने वाला हूँ पेटीएम के बारे में। सो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि जो पेटीएम है वो एक वॉलेट है जो आपको नोटबंदी के बाद आप इसमें हिसाब से इसको काफ़ी काफ़ी फायदा हुआ और आपने लोगों ने काफ़ी यूज़ किया है। सो पेटीएम के लिए भी एक अच्छी बात है। सो अभी ये हाल ही में पेटीएम ने ये अभी अनाउंसमेंट किया था कि हम अपने जो पेटीएम का वॉलेट है हम उसे बैंक में कन्वर्ट करेंगे। सो आरबीआई ने भी इसको लास्ट लाइसेंस दे दिया है कि हाँ चलिए आप इसको अभी पेटीएम बैंक में कन्वर्ट कर सकते हैं, पेमेंट बैंक में कन्वर्ट कर सकते हैं। सो गाइस, इसमें क्या है कि पेटीएम ने एक नोटिस भी जारी कराया है, मैं आपको दिखा दूँ नोटिस। यहाँ गाइस आप ये नोटिस देख लीजिए। पहले जो पेटीएम था ये 197 के जो कंपनी है उसके अंडर अंडर मतलब आता था। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे नोटिस में क्या लिख रखा है। डियर कस्टमर, 197 कम्युनिकेशन लिमिटेड थैंक्स फॉर बीइंग इट्स वैल्यूएबल कस्टमर फॉर हैविंग अ कॉन्फिडेंस एंड ट्रस्ट इन पेटीएम वॉलेट। जो 197 में था तो उसमें कह रहा है कि आपका ट्रस्ट के लिए पेटीएम वॉलेट पे धन्यवाद। सो बाकी अब जो है जो मेन पॉइंट मैं आपको बता देता हूँ, जो आरबीआई की डायरेक्शन के अकॉर्डिंग जो हमारा पेटीएम का वॉलेट बिजनेस था वो अब पेटीएम पेमेंट बैंक लिमिटेड में जा चुका है। अब देख लीजिए, हम यहाँ पे साफ लिख रखा है पेटीएम पेमेंट बैंक PPBL। ओके गाइज, उन्होंने लाइसेंस भी मिल चुका है। किसके अंडर में है, विजय शेखर शर्मा जो कि पेटीएम के जो मालिक हैं वो। इट्स अ प्लेजर टू बी हैव इन्फॉर्मेटिव पेमेंट रिज्यू फाइनल लाइसेंस फ्रॉम द रिजर्व बैंक। ने फाइनल लाइसेंस मिल चुका है रिजर्व बैंक के तरफ से। सो ये कह रहा है कि ये इफ़ यू डू नॉट हैव रिसेंट कम्युनिकेशन फ्रॉम द अगेंस्ट सेम बिफोर जनवरी 15, 2017। और ये उन्होंने मतलब एक इन्फॉर्मेशन जारी की थी जनवरी 15, 2017 से पहले कि ये हमें कि हम पेमेंट पेटीएम का पेमेंट बैंक स्टार्ट करने वाले हैं। सो KYC वॉलेट होगा और मिनिमम के डिटेल KYC वॉलेट। तो इसमें दो प्रकार के वॉलेट होंगे। अब एक तो अपने जो पूरी अपने आधार कार्ड सब कुछ लिंक कर रखा है वो होगा, उसको हम कहेंगे KYC वॉलेट। और एक आपने अपने आधार कार्ड लिंक नहीं कर रखा है, कुछ इन्फॉर्मेशन डाल रखी है, कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं डाल रखी है, तो उसे कहेंगे मिनिमम डिटेल KYC वॉलेट। ओके गाइज, सो अब इसमें क्या कह रहा है, आपको कुछ नहीं करना। जो भी आपका ये होगा अकाउंट होगा, जो भी आपका वॉलेट होगा, ये ऑटोमेटिकली पेमेंट बैंक में चला जाएगा। जी हाँ, पेटीएम पेमेंट बैंक में ऑटोमेटिकली ट्रांसफर हो जाएगा। अगर आपको ट्रांसफर नहीं करना है सो आप जा सकते हैं paytm.com/care, care@paytm.com पे जाके वहाँ पर आपको मेल करना है कि मैंने अपना जो भी अकाउंट है, जो भी मेरा वॉलेट है, वो मेरे को पेमेंट बैंक में ट्रांसफ़र नहीं कराना है। सो वो आपका बैलेंस है वो आपकी कुछ बैंक की डिटेल्स लेंगे और आपका बैलेंस जो भी पेटीएम में था वो सॉरी सॉरी जो भी आपका मतलब वॉलेट है वो वैसा का वैसा रहेगा। अगर आपको अपना वॉलेट भी बंद कराना है तो आप उनको अपनी बैंक की डिटेल दीजिए, वो जो भी अकाउंट होगा, जो भी आपका अकाउंट होगा किसी भी बैंक में, वो उसमें जो भी पेटीएम वॉलेट के जो भी रुपए थे वो उस अकाउंट में आपके ट्रांसफ़र कर दिए जाएंगे। ओके गाइज, सो ये था, इनमें मतलब बता रखा है 15 दिन का टाइम था। और अगर आप ये करने में फेल, मतलब आप ये कुछ भी नहीं करें, अपने मतलब ऐसे ही बैठे हैं, तो जो आपका पेटीएम पेमेंट बैंक था वो आपका वॉलेट है वो उसमें ऑटोमेटिकली चला जाएगा। सो उसके बाद आप कुछ नहीं कर पाएंगे, ठीक है गाइज। और अगर आपका लास्ट 6 मंथ से, आप यहाँ पे लिख रहा है आपके लास्ट 6 मंथ से आपका बैलेंस 0 है और आपने कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं किया है, सो आपका जो भी वॉलेट है वो पेटीएम पेमेंट बैंक में नहीं जाएगा जब तक आप उसको KYC नहीं करा देते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आपका वो उसका मतलब के पेटीएम पेमेंट बैंक में जाए, तो आप care@paytm.com पे जाइए, वहाँ पे आप बताइए कि हम मुझे अपना जो भी वॉलेट है, जो भी आपका वॉलेट का वो है, सो वैसे होगा। अगर आपका अकाउंट ऐसे नहीं खुलेगा जैसे आप नॉर्मल बैंक में जाते हैं और सब सारा प्रोसेस वही होगा, बस ये ऑनलाइन हो गया प्रोसेस सारा का सारा। ये आपको ये नहीं है कि जो आपका पेटीएम वॉलेट है वो आपका अकाउंट बन जाएगा, नहीं, अकाउंट बनने अलग है। अब आपका जो अकाउंट नंबर होता है वो आपका मोबाइल नंबर होता है। जी हाँ गाइस, जो आपका अकाउंट नंबर होता है वो मोबाइल नंबर होता है। और जब आप जाएंगे सो आपका जो अकाउंट नंबर होगा वो अलग होगा, आपको डेबिट कार्ड मिलेगा, आपको उसकी चेकबुक मिलेगी, काफ़ी चीज़ें मिलेंगी आपको। सो ऐसे आप जाके ट्रांसफर कर सकते हैं। सो इसमें आपको कुछ मेजर क्वेश्चंस और मेजर क्वारीज हैं वो आपको दिखा देता हूँ गाइस। सो ये हैं, देखिए
जो मेन मेन क्वेश्चन आई है वो क्या है, व्हाट हैपन टू माई एक्सचेंज वॉलेट, हमारे जो अभी वॉलेट है उसके पहले उसके साथ क्या होगा, ये क्या क्या रखा है इसमें, पहले बता रखा है मैंने आपको बता दिया था, अगर आपका लास्ट 6 मंथ से इनएक्टिव हो और जीरो वॉलेट है तो आपको ये मतलब आपका जो भी अकाउंट है जो भी वॉलेट है वो पेटीएम बैंक में नहीं जाएगा, आपको ये कराना पड़ेगा, और अगर आपका मतलब पहले से है मतलब अपने अकाउंट में ट्रांजेक्शन भी कर रखी है और एक्टिव भी हो तो ऑटोमेटिकली चला जाएगा, अगर नहीं जाना है तो पेटीएम @केयर में जाके आप उसको मना कर सकते हैं, मैसेज मतलब मेल से भी कर सकते हैं और ऑनलाइन भी जाके कर सकते हैं। तो क्या कह रहे हैं, हाउ कैन आई चूज़ नॉट टू मूव टू पेटीएम बैंक, की कह रहा है क्या मैं ये चूज़ कर सकता हूँ कि मैं पेटीएम पेमेंट बैंक में ना जाऊँ, जो इसमें बता रखा है जैसे कि मैंने बताया था @केयर@paytm.com पे जाके आप इसमें कर सकते हो, और यू कैन राइज आइदर थ्रू पेटीएम ऐप, आप पेटीएम ऐप से भी कर सकते हो, तो पेटीएम ऐप से आप कैसे कर सकते हो वो इसमें दिखा रखा है, गो टू योर प्रोफाइल सेक्शन सेलेक्ट कॉन्टैक्ट सेक्स और हेल्प एंड सपोर्ट ऑन एंड्रॉइड डिवाइसेज, अगर पास एंड्रॉइड डिवाइसेज है तो प्रोफाइल सेक्शन में जाइए, वहाँ पे आपको दो ऑप्शन मिलेंगे कॉन्टैक्ट अस और हेल्प और सपोर्ट एंड हेल्प एंड सपोर्ट, तो एंड्रॉइड में मैं एंड्रॉइड यूज़ करता हूँ तो हेल्प एंड सपोर्ट जाइए, चूज़ द ऑप्शन पेटीएम पेमेंट बैंक और वहाँ पे जाके आप पेटीएम पेमेंट बैंक का ऑप्शन सेलेक्ट कीजिए, सेलेक्ट योर इशू कैटेगरी, आपकी इशू कैटेगरी को सेलेक्ट कीजिए, नोन अबाउट पेटीएम पेमेंट बैंक और सेलेक्ट योर इशू इज ऑप्ट आउट ऑफ मूवमेंट टू पेटीएम पेमेंट बैंक, और आप वहाँ पे जाके पेटीएम ऑप्ट आउट आउट टू पेटीएम पेमेंट बैंक पे क्लिक कर दीजिए एंड प्रेस टू सबमिट टू सेंड योर क्वारी, और वहाँ पे आप जाके सबमिट कर दीजिए, अगर आपको वेबसाइट से जाना है किसी भी वेब से जाना है ऑनलाइन तो आप यहाँ से ये मतलब पे जो भी आपको स्टेप सिखाए वो फॉलो कर दीजिए, मैं इस चैनल इस पेज का आपको लिंक दे दूंगा, आप यहाँ पे आके आप सब कुछ पढ़ सकते हैं गाइस, काफ़ी यहाँ पे क्वारीज आ रखी है जो आप देख सकते हैं, बट जो भी आपको इसमें कह रहे हैं कि आपको 15%, जी हाँ अगर आपको 15% इसमें इंटरेस्ट मिलेगा तो काफ़ी अच्छी बात है, अगर आपको 15% इंटरेस्ट मिलेगा तो इसमें इसके हिसाब से आपको पता है काफ़ी फ़ायदा होगा, बहुत फ़ायदा होगा, जो एयरटेल पेमेंट बैंक है वो भी आपको 7% इंटरेस्ट देता है, सो पेटीएम अगर आपको 15% इंटरेस्ट देगा तो वो दुगना इंटरेस्ट होगा और आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। ये कह रहा है विल माई वॉलेट बैलेंस नाउ वन इंटरेस्ट टू इंटरेस्ट यू नीड टू सेविंग अकाउंट, जी हाँ ये कह रहा है अगर आपके वॉलेट में जितने भी रुपए हैं उस पर आपको कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, आपको अपना सेविंग अकाउंट खुलवाना पड़ेगा, जो भी अकाउंट खुलेगा जो ये ऑप्शन बहुत जल्दी आने वाला है सो आप खुलवा लीजिएगा, ओके, और मतलब काफ़ी है, कैन आई स्टिल यूज क्रेडिट कार्ड टू एड मनी टू माई वॉलेट, मैं इसमें काफ़ी ऑप्शन है, कैन आई नाउ विदड्रा मनी फ्रॉम माई वॉलेट, सो कह रखा है नो विदड्रॉइंग मनी फ्रॉम वॉलेट इज नॉट अलाउड इस पर भी आई पॉलिसी, मतलब अब पहले आप अपना विड्रॉ कर सकते थे अपने वॉलेट से पर आप विदड्रॉ नहीं कर पाएंगे, सो आपको काफ़ी ऑप्शन आ चुके हैं अब पेटीएम बैंक से, सो गाइस ये था एक छोटा सा ट्यूटोरियल एक न्यूज़ थी, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, अगर आप नए मेंबर हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरी बी टेक की फैमिली का मेंबर बन जाइएगा, ओके गाइज थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, आई होप आई विल सी यू माई नेक्स्ट वीडियो, सो कीप वॉचिंग बी अपडेट, थैंक्स।